जय हिंद, भारत माता की जय। आज सुबह 9 बजे का टाइम है, हमारे ट्रैफिक के ऑफिसर साहिबान सभी यहाँ खड़े हैं। हमारा पूरा जितना ट्रैफिक का निज़ाम है, आरटीओ साहब सब खड़े हैं यहाँ पर। मेरी मौजमाना गुजारिश है यहाँ के मेंडर के, जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है, कल बदनामी का तबका आप नहीं बनाना भाई के यहाँ पर ट्रैफिक वालों ने चलान कर दिया। ये देखें, हर एक आदमी का चलान हुआ है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जिसके पास गाड़ी के कागज नहीं है, उनके चलान हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा आप सब से, जो स्कूल की बसें हैं, खास करके सख्त कानून बना हुआ है जो स्कूल की बसें हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप अपने गाड़ी के कागज पूरे और अपने जो आपने जो ड्राइवर रखा है उसके कागज, गाड़ी के कागज, लाइसेंस के बगैर ड्राइवर स्कूल की बस में नहीं होना चाहिए। ये आज बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, आपने देखा है इस 3-4 दिन में कितने एक्सीडेंट हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा जो मोटरसाइकिल बच्चे चलाते हैं, सख्त कानून है। ये देखिए 5,000 का चलान है सरकार ने किया है, किसी के जेब में नहीं ये जा रहा है, ये सरकार के खाते में जा रहा है। जो करप्शन करेगा, जो गैर कानूनी गाड़ी चलाएगा, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, गाड़ी के कागज होने चाहिए, लाइसेंस होने चाहिए, बेल्ट बांधा होने बांध करके गाड़ी में बैठना चाहिए, और हेलमेट के बगैर भी कोई ना चले। तो लाइसेंस भी जरूरी है, हेलमेट भी जरूरी है। मैं एक बार फिर कहूंगा आपका धन्यवाद, आप सुबह से यहाँ खड़े हैं माह रमजान के महीने में, बहुत बहुत धन्यवाद फारूक साहब। आपके साथ हम खड़े हैं, समाज खड़ा है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, इसकी वजह से आज जो है हमारा लॉस हो रहा है। आपको मैं माह रमजान के महीने में आप खड़े हैं यहाँ, मैं लोगों से ही प्रार्थना करूंगा भाई इनका साथ दें। ये एक्सीडेंट होते हैं, हमारे नौजवान बच्चे, हमारे बुजुर्ग घरों के घर खाली हो गए हैं, मत गैर कानूनी काम करें। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आपके एसएसपी साहब का धन्यवाद करता हूँ, एसएसपी पुंछ, एसडीएम मेंडर, तहसीलदार, एसडीएम सबका धन्यवाद करता हूँ जो हमें ऐसा निज़ाम दिया है, ऐसे नौजवान दिए हैं, ऐसी सरकार दी है कि जो कानून के मुताबिक जो काम करते हैं। ये एक बार फिर मैं दिखाता हूँ, 2,000-5,500 से कम किसी का चलान नहीं है। ट्रैक्टर वालों से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी सोच समझ के गाड़ियां चलाएं, मेहनत मजदूरी करें, कोई मना नहीं है, मगर आप अपने हिसाब से चलें। जय हिंद भारत।